दोस्तों, मैं हूं अनिल जांगड़े। आप देख रहे हैं न्यूज रूम टीवी। आज नैनपुर में भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, पूर्व राज्यसभा सांसद संपतिया उइके, मंडला विधायक देव सिंह सयाम, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष भीष्म द्विवेदी सहित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव में तैयार रहने के लिए कहा गया। वहीं नगर के व्यापारियों के हित के लिए केंद्रीय मंत्री एवं मंडला विधायक द्वारा दुकानों के स्थायी पट्टे वितरित किए गए। नगर एवं जिले में खेल के क्षेत्र में नाम रोशन करने वाले नैनपुर के खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं कुछ नए युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिनका फूल मालाओं से अभिनंदन किया गया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नैनपुर के नवीन साला प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संयुक्त मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंडलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस सम्मेलन में मौजूद थे, जहां पर मंच पर बैठे विभिन्न वक्ताओं ने अपने तरीके से संगठन को मजबूत करने और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा। वहीं इस कार्यक्रम में कुछ नए कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिन्हें मंच पर फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम की सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि नैनपुर नगर में लंबे समय से व्यापारियों के द्वारा दुकानों के स्थायी पट्टे की मांग की जा रही थी, जिसके लिए आज इस कार्यक्रम में 37 दुकानों के स्थायी पट्टे नगर के व्यापारियों को वितरित किए गए। खेल के क्षेत्र में नगर एवं जिले को ग्रेपिंग खेल के खिलाड़ियों ने राज्य स्तर पर नाम रोशन किया। उन खिलाड़ियों का भी सांसद और विधायक महोदय ने फूल माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। संयुक्त मोर्चा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के साथ सांसद महोदय ने विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया, जिससे नगर ही नहीं पूरे जिले में विकास के कार्य किए जा रहे हैं और आने वाले समय में भी लगातार जनहित के कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जाते रहेंगे। न्यूज रूम टीवी के लिए नैनपुर से अनिल जांगड़ी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है अभी मई 21 को, और इसलिए एक बड़े रूप में आम जन तक कार्यकर्ताओं का संयुक्त मोर्चा का ये कार्यक्रम, घर घर संपर्क का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। क्योंकि मध्य प्रदेश में आने वाले महीनों में नवम्बर में विधानसभा चुनाव होना है, और इसलिए और ऐसे सभी प्रकार के कार्यक्रमों का एक क्रम हमने शुरू किया है, और आज ये संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम विधानसभा मंडला का हुआ है। तो इस वही एक स्वरूप है कि हमारे जो 7 मोर्चे हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में जिले में के अंदर काम करते हैं, मंडल के अंदर काम करते हैं, उन सारी इकाइयों को सामूहिक रूप से इकट्ठा करके और उनके साथ कार्यक्रम को लेकर चर्चा करना, और विभिन्न ऐसी गतिविधियाँ जिन गतिविधियों को हमने, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चा हो, एसटी मोर्चा हो, एससी मोर्चा हो, विभिन्न हमारे जो मोर्चे हैं, वो कहाँ तक अपने अपने क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं, तो ये करने का एक प्रयास है।